हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और ये कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो केमिकल चेंजेस को ही रफली हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। देखिए, जब कोई एक सब्सटेंस या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस किसी दूसरे नए एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस में इस तरह से चेंज हो जाते हैं कि जो नए सब्सटेंसेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज पुराने वाले सब्सटेंसेस से बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो इस तरह के चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। और ये केमिकल चेंजेस का जो पूरा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जो सब्सटेंस केमिकली चेंज हो जाता है उस सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नया सब्सटेंस बनता है या जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो इस तरह से किसी रिएक्टेंट का केमिकली चेंज होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना ही केमिकल रिएक्शन कहलाया जाता है। अब केमिकल रिएक्शंस के काफी सारे एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ में हमारे आसपास मौजूद है। देखिए, जैसे मैग्नीशियम का हवा में जल जाना, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या है कि जो मैग्नीशियम होता है वो हवा में जलता है, मतलब मैग्नीशियम हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और एक नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसमें देखिए, मैग्नीशियम एक अलग सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक अलग सब्सटेंस है, ये दोनों केमिकली रिएक्ट करते हैं, ये दोनों रिएक्टेंट है, और जो नया सब्सटेंस बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो डिफरेंट सब्सटेंस है बिल्कुल, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक इसी तरह से हमारी डेली लाइफ में, जैसे हमारे घर के में किचन में खाना पकता है तो कुकिंग ऑफ फूड सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। हमारी बॉडी में खाना डाइजेस्ट होता है, ये भी सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। खाना अगर बाहर रखा है, फ्रिज में नहीं रखा है, रूम टेम्परेचर पे है, गर्मियों का मौसम है तो खाना सड़ जाता है, है ना। तो ये जो रेंसिडिटी होती है, स्टेलिंग ऑफ फूड होता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शंस की सीरीज है। फर्मेंटेशन होता है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। हम ये देखते हैं हमारे घर में जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं वो रस्ट हो जाते हैं, ये रस्टिंग ऑफ आयरन भी केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है। अब सवाल ये उठता है कि केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। देखिए, जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होगी तो सब्सटेंसेस या तो हीट एब्जॉर्ब करेंगे या हीट इवॉल्व करेंगे, मतलब जो सब्सटेंसेस है उनका टेम्परेचर चेंज होगा। दूसरा, जो रिएक्टेंट्स है उनका कलर चेंज हो सकता है। तीसरा, जो रिएक्टेंट्स है उनकी स्टेट चेंज हो सकती है। चौथा, कई केमिकल रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये केमिकल रिएक्शंस होने के सिम्टम्स हैं, ये उनकी आइडेंटिफिकेशंस हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, उन्हें कैसे लिखा जाता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।